शौर्य प्लीज आप लोग ये बताइए कि काल इस वक्त ब्रह्मांड के किस कोने में छुपा है। अब काल की स्थिति पता लगाने का एक ही उपाय है। वाह वाह भाई वाह, मैंने आज तक इतने बड़े क्रूर देखे हैं, लेकिन आपके जैसा क्रूर आज तक नहीं देखा। लेकिन महामहिम, हम इस हमशक्ल को नहीं मारेंगे तो आपको महाशक्तिमान का शक्ति का हिस्सा नहीं मिलेगा। तू चिंता मत कर, मैं तुझे मारूंगा नहीं, तुझे धीरे धीरे जीवन से मुक्त करूंगा। तू यही सोच रहा है ना कि मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारना क्यों चाहता हूं? इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, गलती तेरे इस चेहरे की है। अब इस गलती की कीमत तो तुझे चुकानी पड़ेगी। कहते हैं ना कि जंगल में सिर्फ एक ही राजा हो सकता है, उसी तरह सारे ब्रह्मांडों में अब सिर्फ काल का राज चलेगा, जिसके लिए तुझे मरना होगा। काल हमारे ब्रह्मांड में कहां है इसका पता चल गया है। अब मेरे वार से काल नहीं बचेगा, इस अखंड धनुष से मैं काल का खात्मा कर दूंगा। विवान ध्यान रहे, अपनी भावनाओं को अपने फर्ज के आगे मत आने देना। और जैसे ही ध्रुव तारे की चमक इस तीर के नोक पर चमकेगी, काल का खात्मा कर देना। पता नहीं अब का आसमान गिरने वाला है हैप्पी के कारण। किसी दिन हैप्पी के कारण हमारा बीपी मंगल ग्रह पे चला जाएगा। पापा, पापा, चाचू पूरे मोहल्ले में प्रसिद्ध हो गए। क्या हो गए? प्रसिद्ध हो गए और पूरे मोहल्ले में उनके पोस्टर भी चिपके। पोस्टर? अरे पोस्टर तो फिल्म स्टार, नेता या चोर उचक्कों के लगते हैं। कहां कहां देखा वो पोस्टर? ओ, पास वाले सुलभ शौचालय के दीवार पर। हाँ, चलो चलिए। नहीं 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 रुको, शौचालय जाने का कोई जरूरत नहीं है, हम पोस्टर खुद ही उखाड़ कर लेकर आए हैं। ये लो देखो। आप कहे गए थे बाजू में सुलभ शौचालय? अब जाओ इधर। आपका लाडला, कानपुर का लाडला हीरो हैप्पी, कल 10 बजे चटपटे मेले में ट्रक को हाथ से उठा के दिखाएगा। ट्रक को हाथ से उठा के दिखाएगा। और पोस्टर के नीचे देखिए, बड़े बड़े अक्षरों से लिखे हैं टिकट के दाम, एंट्री का 100 रुपया और पहली पंक्ति का 200। Sir.
क्या बोलते हैं भैया, कैसा लगा आपको हमारा बम फाड़ आइडिया? हैप्पी भैया, किस नमूने ने दिया आपको ये आइडिया? इस नमूने ने, मतलब हमारे बड़े भैया ने। हम तुमको कब बोले कि जाके ट्रक उठाओ? अरे भैया आप नहीं बोले कि हम ट्रक उठाए, लेकिन टिकट सो से पैसा कमाने का आइडिया तो आप ही दिए कल रात को, याद है? अरे हैप्पी, एक बार तुमके से कुश्ती में जीत का गए तो तुमको लगता है कि तुम गामा पहलवान बन गए? तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे नाम का टिकट खरीद कर तुम्हें देखने आएंगे? अब पहलवान को पटक नहीं देख के हम इतना फेमस हो गए तो सोचिए एक दिन में ट्रक उठा के हम कितना पैसा कमाएंगे। सारा का सारा पैसा गोल्डी के मुंह पे मारेंगे फेंक के। संभालिए अपा। सुनिए, आपने इसे कहीं देखा है? नहीं मालूम। अब सुनिए, आपने इनको कहीं देखा है? अब सुनिए, आपने इसको कहीं देखा है? आपने देखा इसे कहीं? नहीं। प्लीज ध्यान से देखिए ना, कहीं देखा होगा शायद यहीं कहीं आसपास। अनन्या, अनन्या कुछ पता चला? अनन्या नहीं, आप लोगों को नहीं? इतनी देर से हम बालवीर की तस्वीर को दिखाकर उसे ढूंढ रहे पर वो मिल ही नहीं रहा है। कानपुर शहर बहुत बड़ा है वायु परी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दीबू की जिस समशकल को हम ढूंढ रहे हैं वो कोई आम इंसान हो, उसे कोई जानता ही ना हो। लेकिन ये भी हो सकता है कि जिस समशकल को हम ढूंढ रहे हैं वो यहाँ है ही नहीं। उधर देखो, ये देबू नहीं है, ये तो कोई हैप्पी पांडे है। बालवीर का हमशक्ल तो हमें मिल गया है, अब उम्मीद है कि बालपरी और विवान उस काल को संभालेंगे। जरूर रोक लेंगे वायुपरी, क्योंकि मुझे सूचना मिली है कि विवान अखंड धनुष का इस्तेमाल करने वाला है। अखंड धनुष की वार से तो आज तक कोई नहीं बच पाया है पानीपरी, तो फिर काल क्या चीज है? जल्दी से इसकी गर्दन उड़ाइए महामहिम। उसके बाद बुराई के जंगल में आपके जो चार हमशक्ल घूम रहे हैं उन्हें भी मारना है। देर करने से क्या फायदा? इंतजार, मौका मौका इंतजार। लेकिन महामहिम और कौन आने वाला है? आ गए, जिनका इंतजार था वो आ गए। और वो लोग भी तुझे मरता हुआ अपनी आंखों से देखेंगे। और मुझे बड़ा मजा आएगा।
पहले से ही पता होगा कि ध्रुव तारे के बिना ये धनुष काम नहीं करेगा। हाँ, शायद इसलिए काल चारों तरफ ये फॉग फैला रहा। लेकिन विवान तुम चिंता मत करो, एक पल की भी देरी मत करो और इस तीर को चलाओ इससे पहले कि हम उस काल को पकड़ने से फिर से चूक जाए। कोशिश कर रहे हैं और तुम हो कि नीचे से गिड़क के निकल जा रहे हो। अरे गिड़क ही लेंगे ना भैया जी, पूरे शहर में कबड्डी के चैंपियन ठहरे हम, फिर हैं? कबड्डी चैंपियन होना ना और बात है लल्ला, पर इस तरह जाकर कोई ट्रक को उठाना तो पागलपन है, पागलपन है। माँ अपने ही टीम में गोल मार रहे हो, तुमको ना काहे फंस गए, अभी हम हाथी को धरने से ना तो धरे। पर हैप्पी है कहाँ? यहाँ है हैप्पी। लल्ला, अरे देखिए शॉट लगा लो, शाम हो जाएगी और चाचू किसी के हाथ नहीं आने वाले। दादी को इतना कम मत समझो, बाल पोस के बड़ा किया चाचू को, किसी भी वक्त अपने लपेटे में ले लेंगे। लग गई शर्त चॉकलेट की। अरे पर आप लोग हमें समझाने का चांस तो दीजिए, पूरे मार्केट में पोस्टर लग चुके हैं हमारे, अब नहीं जाएंगे ट्रक उठाने तो नाम बदनाम हो जाएगा हमारा है। तुम्हारा नाम तो पहले से बदनाम है पूरा शहर में, अब का मेले में जाके अपने इज्जत का होली खेलोगे? अरे अरे क्या बार बार हमें ही पकड़ रही है माँ। लल्ला लल्ला देखो बस कर, गोल्डी को पैसा चुकाने का हम कोई और इंतजाम कर लेंगे।
ठीक है मां, हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन आज नहीं। हम बोले थे ना दादी को कम मत समझो, चलो चॉकलेट निकालो जल्दी। ठीक है, आप लोग इतना जिद कर रहे हैं तो हम नहीं जाएंगे ट्रक उठाने। हाँ। पर हमारा एक शर्त है कि आप सब हमें एक कमरे में बंद कर दीजिए, वरना हम तो भाग जाएंगे मैदान में ट्रक उठाने के लिए। अरे तो हम सुबह से कह रहे हैं कि हैप्पी भैया के कमरे को कुंडी लगा के रखूं, लेकिन इंडिया में बहुओं की सुनता ही कौन है। अब सुनते हैं ना हम। हाँ। अब सुन रहे हैं। चलो अंदर चलो, अंदर चलो, निकालो ये। चलो अंदर। अरे जा रहे भैया, धक्का काहे मार रहे। चलो अंदर, हम जा रहे हैं ना। कर दीजिए बंद। टिंपल, आज हैप्पी को खाना ना दरवाजे के नीचे से ही देना। हाँ जी माँ जी। जॉली जल्दी कर, ताला लगा। सिर्फ कुंडी बंद मत कीजिएगा, ताला भी लगाइएगा और चाबी कहीं सुरक्षित रख दीजिएगा, वरना हम भाग जाएंगे। इतना भोला है हमारा परिवार, उनको लगता है कि दरवाजा बंद कर दिया तो हैप्पी रुक जाएगी, पर खिड़की तो खुला है। अरे मेला पूरा खचाखच भरा होगा, पब्लिक आई होगी हमारा शो देखने के लिए, हमारी ताकत देखेगी। अबे यहाँ पे तो कौवा भी कौ ना कर रहा है। अरे जुगनू भाई, अरे जुगनू भैया, ये कहाँ है, पब्लिक कहाँ है और वो ड्रग कहाँ है जो हम उठाएंगे हैं? अरे हैप्पी, तुम हमसे पूछ के पोस्टर चिपकाए थे क्या हैं? अरे जुगनू भैया, टाइम ना था ना पूछने के लिए, वरना हम पूछ लेते आपको। लेकिन अभी टाइम खोटी मत कीजिए, जल्दी जल्दी टिकट बारी खोलिए और वो टिकट बेचना शुरू कीजिए। प्रॉफिट में 15% हिस्सा आपका है, पर आप ये सब छोड़िए जुगनू भैया, आप बस ये टिकट बारी खोल दीजिए। हम अरे पूरा सत्यानाश कर दिया, अब किसी को गलती से पैर लग गया, जान मुझके ना किया है जुगनू जी। अरे यार एक बात बताओ, तुम दो कदम तो ठीक से चल नहीं पा रहे, तुम ट्रक क्या उठाओगे? अरे मैदान में पब्लिक हमें दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। हाँ तुम शो करना चाहते हो ना, हमारा ही शो बन जाएगा। अरे अरे जुगनू ये गुस्सा रहो, ये बैठी बैठी अब आराम से बैठी। हाँ बैठी। हाँ हम आपको डिमो दिखाते हैं, वो कहा है ना हम शादी वाले हैं, डिमो बहुत अच्छा दिखाते हैं, अब देखेगा। हे भगवान जी, हमारी मट्टी पलित मत करवा दीजिएगा। ये कैसे कर दिए तुम? 2 क्विंटल वजन होगा कम से कम, फिर से करके दिखाओ जरा, दिखाओ जरा फिर से करके। अरे अभी करके दिखाते हैं। अरे भाई यार हैप्पी, अगर ऐसा तुमने कर दिया ना तो अंदर हमारे टिकट इतनी तेजी से बिकेंगे जैसे चाय और समोसे के बिकते हैं। मैं अभी मैदान खोल देता हूँ, आ जाओ। अरे बस इसी बात का इंतजार था जुगनू भैया, हम अभी तैयारी करते हैं। थैंक यू जुगनू भैया, थैंक यू। हाँ चलो। बहुत जोश से भागे थे ना तुम, अब सारा होश आ गया होगा है ना कर? बस ये हम शक्ल मरने ही वाला था कि महामहिम पकड़े गए। मार दिया होता तो उसकी शक्ति से महामहिम और बलशाली हो जाते और फिर इनके हाथ तो नहीं आते, पर अब तो पासा पलट गया है। होश में आने की जरूरत कॉल को नहीं, क्योंकि मैं जो सोचता हूं किसी के समझ में नहीं आता। पता तो नहीं, वरना महामहिम इस आदमी को पहले ही मार देते, इतना इंतजार करने की क्या जरूरत थी। ये मर जाता तो बचते सिर्फ 4, फंस गए ना आप। देखो
थोड़ी ही देर में सातों मार्गदर्शक यहाँ होंगे, फिर फैसला लिया जाएगा कि तुम्हें फिर से पत्थर बना दिया जाए या मुक्ति दे दी जाए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.